वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में देश दुनिया से पधारे आयुष क्षेत्र के सभी विद्वान। गोवा में 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा एक्सपो का आगाज हो चुका है, जिसमें 35 से ज्यादा देशों के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मकसद साफ है कि आयुर्वेद को हम किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएं और आम लोगों तक इसके गुणों के बारे में जानकारी मिले। और उसी क्रम में इस वक्त हम हैं, फोर सीजन्स के MD हैं हमारे साथ नितिन जी, जो बताएंगे कि इस एक्सपो में आने का उनका मकसद क्या था और क्या और वैल्यूएशन हो सकता है सरकार को जो देना चाहते हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग वर्ल्ड आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस में, वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस में यहाँ गोवा में सब लोग आए हैं और हमारा मोटिव सिर्फ एक ही है कि आयुर्वेदा को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। सारे कंट्रीज़ हम लोग इंडिया का एक USP बनाना है कि आयुर्वेदा हर देश के, दुनिया के हर एक कोने में पहुँचे, लेकिन एक क्वालिटी मटेरियल ही हमको, क्योंकि आयुर्वेदा का नाम भारत से जुड़ा है, तो हमको उस क्वालिटी मटेरियल को ही हमको सारी दुनिया में लेके जाना है, ना कि एक मार्केटिंग के तौर पर। एक मार्केटिंग के साथ साथ एक अपने देश के नाम को लेकर भी हमको अपने आगे बढ़ना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पूरे समर्थन से हम लोग पूरा आगे काम कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि क्वालिटी मटेरियल को लेकर हम देश और दुनिया में अपना नाम करें। नितिन जी, एक बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज इसलिए भी है कि जितने मार्केट में आयुर्वेद के नाम पर भ्रांतियाँ भी हैं, अलग गलत प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं, तो कैसे उसको फिल्टर किया जाए और उसके लिए आप जैसे जो सीरियस प्लेयर्स हैं, जो कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको आना पड़ेगा आगे, तो कैसे आम लोगों के जहन में अपनी मौजूदगी दर्ज करने की सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले आयुष विभाग को यह देखना पड़ेगा कि देखिए, मार्केटर और मैन्युफैक्चरर, अभी का मार्केट में चल क्या रहा है कि मैन्युफैक्चरर जो है बहुत ही कम मात्रा में है और मार्केटर मार्केट में आते ही जा रहे हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे से लेकर बड़े, जो कि गाइडलाइंस का बिल्कुल कोई भी किसी तरह से फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। तो हमको जो मार्केटिंग टीम है उसको पहले, जो आयुष विभाग को, उसको पूरा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि मार्केटर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि कहीं भी मार्केटर कुछ भी करता है तो उसको पूरा ऑब्जेक्शन या नोटिस जो भी आता है मैन्युफैक्चरर को आता है। तो गवर्नमेंट को स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि मैन्युफैक्चरर क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किस रॉ मटेरियल के साथ कर रहा है और किसको दे रहा है। अगर इसको स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे तो मार्केट में देखिए फिर क्वालिटी मटेरियल नहीं दे पाएंगे। अभी की डेट में क्वालिटी के साथ साथ अभी रेट्स की फाइट है, तो जब हम रेट्स को लेकर हम फाइट करेंगे तो क्वालिटी को कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर हैम्पर करेगा। वो अपने ब्रांड को लेकर तो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन अगर वो किसी और कंपनी को या किसी मार्केटर को बना के दे रहा है मटेरियल, तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी में आएगा नीचे। तो सबसे पहले आयुष विभाग को मार्केट से मटेरियल उठाकर उसको स्क्रूटनाइज करना चाहिए, उसकी टेस्टिंग करना चाहिए और उसके ऊपर प्रॉपरली तरीके से कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम, वैसे आपकी कंपनी का नाम है फोर सीजन्स, तो कितने सीजन गुजर चुके हैं और ये फोर सीजन तक ही क्यों रहेगा, आगे क्यों नहीं चलेगा, या फिर आगे चलाने की क्या, इसके पीछे रीजन क्या है, इस फोर सीजन का नाम देने के पीछे, और क्या विजन है इस ब्रांड के? देखिए, फोर सीजन्स का मतलब तो हो गया चार मौसम। तो जब हमारे पूरे चार मौसम होते हैं साल भर में, तो ये तो 12 महीने चलने वाला है और सालों साल चलने वाला है। सालों 3-4 साल अभी हम लोगों को कंपनी को हो चुके हैं और ये अब जिंदगी भर और हमेशा चलने वाला है, क्योंकि सीजन ख़त्म नहीं होने हैं। कंपनी का मोटिव है आम लोगों तक पहुंचना, सही रेट के साथ, सही क्वालिटी के साथ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा हमारे आयुष विभाग को और हमको ये बराबर जिम्मेदारी बनती है कि देश के हर कस्टमर के पास हम पूरे ईमानदारी के साथ और नाम के साथ पहुँचें।
ये बहुत अच्छी बात कही नितिन जी ने कि हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी हम अपनी मौजूदगी दर्ज कर पाएंगे आम लोगों तक, ताकि आयुर्वेद और ज्यादा आगे बढ़े। Click on the bell icon to watch our latest videos.